पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। जिस समय जब वो देवकी जवान हो जाती है तो महाराज उग्रसेन ने देखा कि भी लड़की शादी के लायक हो चुकी है। एक गृहस्थी का ये फर्ज होता है जिसके घर पर बेटी श्याणी हो जा शादी के लायक हो जा तो उसकी शादी करनी बहुत जरूरी होती है। जिस दिन से वो शादी के लायक हो जाती है अगर उसकी शादी नहीं की जाती उस दिन से उसके माता पिता के सिर पर भार बढ़ता चला जाता है। ये विचार करके महाराज उग्रसेन ने अपने बेटे कंस को बुलाया और कहता कि तेरी बहन शादी के लायक हो चुकी है और इसके लिए वर देखना शुरू कर दे। कैसे उदाहरण देते हैं और कैसा होना चाहिए कैसे क्या बताओ। ओ उग्रसेन ने देवकी खतरी वर टोहन की सोची और कंस बैठा लिया अपनी जड़ में कर टोहन की सोची उग्रसेन ने देवकी खतर वर टोहन की सोची बैठा लिया अपनी जड़ में कर टोहन की सोची स्नान करे थी सुता स्नान करे वो गणेश रुखाड़ा हो गया रोक दिया महादेव जानते पछाड़ा हो गया शिव जी गए महल के अंदर तीज बेचारा हो गया ओ शिव जी ने दिया शीश दा उड़न्यू मुकारा हो गया ओ पार्वती ने करी लड़ाई करी सतुती कर सर टोन की सोची भाई संदीप बिजली बोर्ड से काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं भाई साहब को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वो भीमसेन ने अपनी बेटी अपनी बेटी नर राजा के ब्याही 56 दिन तक जुआ खेला शर शर की करड़ाई राजा नल फिर गए बना में गैल भीम की जाई ओ धर्मशाला में सारी काटी सूती भी ना थाई सच्चा समय पर
ने रचा स्वयंवरी सीता के ब्राह्मण ने देश देश के राजा जुड़ के तन समान धामण ने किसे की भी तमा पड़ी ना हाथ तलक लावण ने कदम बढ़ा के हाथ लपा के भाना चाहे लावण ने Thank you.